ये रहे सात दरवाजे। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनके पीछे जो रास्ते हैं वो रशिया की तरफ और अदर कंट्रीज की तरफ जाते हैं। सो गाइस, इस टाइम हम हैं कुपवाड़ा के मेन टाउन में। अभी मार्केट पूरा बंद है, 6:40 बज चुके हैं इस वक्त। टाइम जो हो रहा है वो 6:40 हो रहा है, और ये हमारे पीछे जो है वो मीनार जो लगे हुए हैं, ये मेन जामे मस्जिद कुपवाड़ा के। और हमारा आज का विजिट जो होने जा रहा है वो लोला वैली पे होने जा रहा है, और काला रोस पे होने जा रहा है। यथ ये नाम क्रिसमस सतपुर, वहाँ पे हम आज जाएंगे। गाइस, अभी हम काला रोस के बिल्कुल नज़दीक है पहुँचने वाले हैं। काला रोस अभी आप देख सकते हैं, जिसको सतबरन बोला जाता है कश्मीरी में। 7 दरवाजे हैं इस पे बने हुए, लेकिन सातों के सातों दरवाजे बंद हैं। और कहा जाता है कि ये मतलब इनके पीछे कुछ रास्ते छुपे हुए हैं, जो रास्ता मेन एक तो बोला जाता है कि रशिया की तरफ जाता है और अदर कंट्रीज़ की तरफ जाता है, बाकी रास्ते जाते हैं अदर कंट्रीज़ की तरफ। तो इसके बारे में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये बिल्कुल सामने, हम नज़दीक जाएंगे इसके। ये सतबरन है बिल्कुल सामने हमारे, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। इधर से हम नीचे से आए हैं, इतना ऊपर चढ़ना पड़ा हमें। बहुत ही ऊपर बना हुआ है ये केव। तो आपको पूरी जानकारी देते हैं, जुड़े रहिए। हम पहुंचने वाले हैं बस कुछ 10-15 सेकंड में। ये रहा गाइस सतबरन, इसमें 7 दरवाजे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 दरवाजे बने हुए हैं। इसकी पूरी हिस्ट्री हम आपको बता देंगे, पहले आपको इसका दीदार करवाते हैं। ये रहे 7 दरवाजे। इन्हीं के बारे में कहा जाता है कि इनके पीछे जो रास्ते हैं वो रशिया की तरफ और अदर कंट्रीज की तरफ जाते हैं। ये है 1, 2, 3 मेन दरवाज़ा, ये बड़ा सा है थोड़ा सा, और फिर थोड़ा सा छोटा, और इस साइड में और 2 है। ये 2 दरवाजे और है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ पत्थर रखा हुआ है। इसके सामने भी ऐसा है, कुछ नक्शा बना हुआ है। ये साइड में एक पत्थर है, वो मेन जिसको सतबरन कहा जाता है वो ये है। ऊपर ये यहाँ तक है, टोटल ये देख सकते हैं आप पूरा इसको। इसके पीछे से थोड़ा सा हमको दिखाएंगे कि पीछे क्या है। बोला जाता है कि इसी के अंदर से जाते हैं और वो रास्ता रशिया की तरफ और अदर कंट्री की तरफ जाता है। ये है कि पीछे से ये है पीछे से के, और ये है नज़ारा कुपवाड़ा के इस खूबसूरत गाँव का।
یُس تۄہہِ اَسہِ ہووُ گۄڈنٮ۪تھ یَتھ أسۍ وَنان ٲسۍ ستبرن، سُہ چھُ تَتٮ۪ن صرف ہاونہٕ خٲطرٕ، اکھ لوکیشن وننہٕ خٲطرٕ، نِشانہٕ خٲطرٕ چھُ یِمو تَتٮ۪ن یہِ بنٲیِتھ تھوٚمُت، مطلب ستبرن ہسا چھِ اصلی جہاں پہ کیو سٹارٹ ہوتی ہے ہم اس کی طرف بھی جا رہے ہیں، کیو جس جگہ پہ سٹارٹ ہوتی ہے، کیو اصل میں وہ نہیں ہے، وہاں پہ صرف دکھایا گیا ہے کہ مطلب یہ ہے ستبرن، یہاں سے ہے ستبرن، لیکن وہاں سے تھوڑی دوری پر، تھوڑی نہیں بہت دور ہے، وہاں سے بہت زیادہ تھک چکے ہیں، وہاں سے نیچے دکھایا گیا تھا، وہاں سے ہمارا یہ گھنے جنگل ہے، یہاں پہ بہت ہی گھنا جنگل ہے۔ ابھی ہم کیو کے پاس پہنچے، بتایا جاتا ہے کہ مطلب یہاں سے ایک دروازہ ہے، یہاں سے کیو سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں سے ایک دروازہ ہے، اس کے بعد آگے سے دو دروازے آتے ہیں، اس کے بعد آگے سے تین دروازے آتے ہیں، اس کے بعد آگے سے چار، پھر پانچ، پھر چھ، پھر سات، ان میں سے ایک راستہ جاتا ہے رشیا کے لیے، کہا جاتا ہے رشیا میں کوئی چرچ ہے، وہاں اس چرچ میں وہ ہو کے ملتا ہے۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں گائز، بہت ہی خطرناک کیو ہے، اور کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ انگریز ایک ہفتے تک رکے تھے، اندر گئے تھے، آکسیجن ساتھ لیا تھا، سب کچھ، لیکن پھر واپس آ گئے، پھر ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، تو ابھی ہم جا رہے ہیں کیو کے اندر، دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹائٹ ہے کیو، ہم جا رہے ہیں اندر، کیو کے اندر جا رہے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ایرٹیلس جیوس گئے۔